बसमर रिमी डेयर पेरेंट्स टीचर एंड आल ऑफ़ माई स्टूडेंट तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एन एन सी एंड फाइव की ट्रांसलेशन हमने मुकम्मल कर दी थी तो आज हम एन सी और फ़ाइव का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू कर दें लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पर यहाँ पर लिखा है कि वाट काइंड ऑफ़ करेक्टर इज़ अनंसी यूज डिटेल फ्राम द स्टोरी टू सपोर्ट यूअर व्यू जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा है तो आप लोग ये बच्चों से पूछ सकते हैं कि अनंसी का करेक्टर जो था वो किस किस्म का था तो मैं आपको इसका जवाब जो है वो बताता हूँ लेकिन आप लोगों ने अपने बच्चों से रट्टा नहीं लगाना बल्कि पहले आप लोगों ने अपने बच्चों से पूछ लेना है उसके बाद आप लोग अपने बच्चों की नोटबुक जो है उसमें आंसर जो है ये आप लिख सकते हैं तो आप इसका आंसर लिख लें अनंसी इज़ ए बेड क्रिएचर यानी अनंसी जो था वो एक अच्छा न था ही इज ग्रेडी एंड सेल्फिश ही इज ग्रेडी एंड सेल्फिश ही थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ सेल्फ ही डज नाट केयर अबाउट एनी बॉडी एल्स नॉट इवन इज फैमिली तो आप ये इसका आंसर जो है लिख लें तो चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं पेज नंबर थर्टी पर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द पोइंग में यानी कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग वो साथ साथ लिखते जाएं तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द विच नेम एंड वाई डि नाट शी लाइक इट यानी विच यानी जादूगरनी का नाम क्या था और वो उसे वो नाम पसंद क्यों नहीं था तो आप इसका आंसर लिख ले द विच नेम फाइव शी डिड नाट लाइक इट बिकॉज ऑल थ्रू हर लाइफ पीपल हैड लाफ्ट आर लुक सरप्राइज्ड वन दे हेयर देट वर नेम तो क्वेश्चन नंबर बी वट वाज द विच डूंग एन हर गार्डन यानी जदगरनी जो थी वो अपने बाग में क्या कर रही थी तो so, आप इसका आंसर लिख लें द विच वर बिग कु पॉट एंड सेंग स्पेल इन हर गार्डन आप लोग अपने बच्चों को जो है ये बिल्कुल रटा ना लगाए बल्कि आप लोग पहले अपने बच्चों से क्वेश्चन जो है वो पूछ लें उसके बाद आप लोग ये आंसर जो है उनको बता सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर सी वाई वाज अनंसी प्लीज यानी अनंसी क्यों खुश हुआ इसका आंसर आप लिख लें अनंसी वाज प्लीज बिकॉज ही हेयर्ड द विच एंड ही थाट ही वुड बी एबल टू यूज़ हर स्पेल टू मेक सम मनी आर गेट सम फूड तो मैं इसलिए ऐसा ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये लिख सकें क्वेश्चन नंबर डी वॉट वाज द फर्स्ट एनिमल डेट अनंसी ट्रिक यानी वो पहला जानवर कौन सा था जो जिसको अनन्नसी ने बेवकूफ बनाया था तो इसका आंसर आप लिख लें द फर्स्ट एनिमल डेट अनंसी ट्रेक वाज मिस्टर रेबर्ट यानी वो मिस्टर मिसट था क्वेश्चन नंबर ई विच एनिमल वर नॉट फूल्ड बाय अन तो इसका आंसर आप लिख लें मिसिज फ्रॉग एंड मिसिट वर नॉट फूल्ड बाय अनसी क्वेश्चन नंबर एफ लिख लें आप वट थिंग्स कुड यू बाय इन द मार्किट तो इसका आंसर आप लिख लें एट द मार्किट You could buy yams, beets, pulses, grains, sweet potato, pies, and mouth-watering delicacies. Pupils may find some or all of the items listed. Question number G. Why was Mrs. shrew going to the market and what was she going to do there? To this answer, Mrs. shrew was going to the market to try to sell the pies she had made. शी वांट टू बाई सम माउथ वाटरिंग डिलकेशियज फॉर हर फैमिली एट द मार्किट तो अगर आप लोगों को किसी वर्ड्स की समझना है या किसी वर्ड्स की स्पेलिंग में आप लोगों को पता रही हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर एच वाई डिड अनंसी गेट एंग्री विद मिसिस श्र्यू इसका आंसर आप लिख लें अनंसी गॉट एंग्री विद मिसिस श्र्यू बिकॉज शी वुड नॉट से द नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर आई हाउ मेनी करेक्टर आर देयर इन द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड मेक ए लिस्ट तो इसका आंसर आप लिख लें देर आर सिक्स करेक्टर्स इन द स्टोरी द विच कॉमा अनसी कॉमा मिसेज रेबेट कॉमा मिसेस डक कॉमा मिसेस प्रोग कॉमा एंड मिसेस श्रीव द फैमिलीज ऑफ मिसेस श्रीव एंड अनंसी आर ऑल्सो मैंशंट अच्छा तो क्वेश्चन नंबर जी व्हाट क्लूज आर देयर इन द स्टोरी विच टेलर्स दैट अनंसी नॉट एन आई स्पाइडर यानी वो कौन से हैंट्स हैं जो कि इस स्टोरी में वो कौन से हेंट्स दिए गए हैं जो कि हमें बताते हैं कि अनंसी जो है वो एक स्पाइडर नहीं था अच्छा स्पाइडर नहीं था तो इसका आंसर आप लिख लें अनंसी वॉज नॉट इन आपाइडर ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग ही वॉज इन सर्च ऑफ सम ईजी वे ऑफ मेकिंग मनी वेन ही फाउंड आउट अबाउट फाइव स्पेल